रूंज नदी में हीरा की तलाश करने के लिए हजारों लोग 2 माह से किस्मत आजमा रहे हैं। अवैध रूप से हीरा खोदने वाले लोग जान का जोखिम लेने से भी नहीं चूक रहे। गुरुवार को रूंज नदी में खदान धंसने से एक महिला मिट्टी में दब गई। खदान में दबने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अमानगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर टपरियन में रहने वाली सुमन बाई पटेल पति बाबूलाल पटेल रूंज नदी में निर्माणाधीन डैम के पास हीरे की तलाश में चाल खोद रही थी। अचानक खदान धंसने से वह मिट्टी के ढेर में दब गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। मिट्टी का ढेर ज्यादा होने के कारण करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने बताया कि महिला को काफी चोटें आई हैं। इस वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है। रूंज नदी में पिछले 2 माह से पन्ना छतरपुर सतना उत्तर प्रदेश से तक हजारों लोग अपनी आजमाने के लिए हीरा ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने यहां से निर्माणाधीन रूंज डैम से निकल रही हीरे चाल के अलावा जंगल के पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला प्रशासन औपचारिकता के लिए छोटी कार्यवाही कर वाहवाही लूट रहा है, जबकि यहाँ पूर्ण रूप से हीरे का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ से मिट्टी निकालते समय मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है। तो वहाँ से तत्काल सब लोगों ने वहाँ से निकाला और तत्काल पन्ना चिकित्सालय हमारे पन्ना में भर्ती कराया। महिला जिला अस्पताल में भर्ती हुई है, उसको मल्टीपल रिप फ्रैक्चर आए हुए हैं, उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है एवं उसको अग्रिम उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रिफर किया जा रहा है।